नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त खबर असरदार का हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के पट खुलने के बाद बीजेपी भगवा झंडे के तले 400 पार का शंखनाद कर चुकी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश बीजेपी को इस बार प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का टारगेट दिया है, जिसे हासिल करने के लिए पार्टी ने इस बार 68% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी जमीन पर उतरकर पसीना भी बहा रही है। इस बार बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल के काम को आधार बनाकर 29-0 से मैदान मारना चाहती है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी वोट प्रतिशत के सहारे ये लक्ष्य हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी ने इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के वोट प्रतिशत और सीटों पर। साल 2019 का वोट शेयर, बीजेपी को 58% वोट मिले, 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस को 34% वोट मिले, एक सीट पर कांग्रेस की जीत। 2019 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, मोदी सरकार के काम, हिंदुत्व की लहर, सर्जिकल स्ट्राइक। 2014 का वोट शेयर, बीजेपी को 54.8% वोट मिले, 29 में से 27 सीटें बीजेपी के खाते में। कांग्रेस को 35.4% वोट मिले, दो सीटों पर कांग्रेस को जीत। 2014 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, मोदी लहर, हिंदुत्व, खेती किसानी। साल 2009 का वोट शेयर, बीजेपी को 43.4% वोट मिले, 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस को 40.1% वोट मिले, 12 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, एक सीट बीएसपी के खाते में गई। 2009 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, बीजेपी के बड़े चेहरों से नाराजगी। साल 2004 का वोट शेयर, बीजेपी को 38.1% वोट मिले, 29 में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को 34.1% वोट मिले, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली। 2004 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, बिजली और बदहाल सड़कें, इंडिया श्राइनिंग और फील गुड कैंपेन बेअसर। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई है। बीजेपी का प्लान इस बार निर्दलीय और छोटी पार्टी को मिलने वाले वोट को बटोरना है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में हमने 65% बूथ जीते थे और 58% से ज्यादा वोट शेयर पाया था। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा लेने का निर्देश है, आदेश है हम लोगों के लिए, वो निश्चित तौर पर हम 65% बूथ से ज्यादा बूथ जीतने के प्रयास में जुटेंगे और जो 58% वोट शेयर था इसमें भी इजाफा करेंगे। जो हमने बूथों का वर्गीकरण किया ABCD में, अगर सिर्फ 370 ही वोट चाहिए इनको हर बूथ पे, तो समझ ले कि कितने वोट आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कितने बूथ हैं, कितने पे 370 मिलेंगे और उस 370 में होगा क्या, क्योंकि एक बूथ पे लगभग 1000 वोट भी है, 1200 वोट भी है, तो 370 से कितना होगा। गलत फहमियां पालना और जिस तरीके से उसमें रहना, ये जनता इसका जवाब दे। मोदी के चेहरे, आक्रामक चुनाव प्रचार, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग, राम मंदिर के जरिए बीजेपी इस बार एमपी का मैदान मार लेना चाहती है। पार्टी की नजर अब तक अभेद रहे कमलनाथ के किले पर भी कब्जे की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जादू की छड़ी वाला मंत्र दिया है। ये लक्ष्य दिया है कि हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट जुटाना है और मध्य प्रदेश भाजपा ने भी अभी इसी रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपना मिशन सभी 29 सीटों को जीतने का जो बनाया है, उसमें 64,000 जो बूथ है, हर बूथ पर यह लक्ष्य रखा है कि 370 से ज़्यादा वोट हासिल करना है और क्लीन स्वीप करना है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा क्या कमलनाथ के गढ़ वाली छिंदवाड़ा सीट को भी इस बार कब्जे में ले पाएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर सप्ताह भर चला सस्पेंस खत्म हो गया। कमलनाथ के गढ़ से नकुलनाथ को चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस भी कह रही है। ऐसे में बीजेपी ने कमलनाथ को उनके घर में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के साथ हो गई है। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, बीजेपी ने कमलनाथ के इस किले को भेदने की कवायद शुरू कर दी है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दौरा शुरू कर दिया है। छिंदवाड़ा में विकास की सौगात के साथ पार्टी नेताओं के यहाँ कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई है। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा हम हर हाल में जीतेंगे, इस बार इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश में से हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। भगवा लहराएगा, कमल लहराएगा। अब कुछ लोगों ने तो भगवान श्रीराम का झंडा लगा के घर से उतार लिया। कुछ लोग और जो वहाँ के अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं वही चलो चलो करने की तैयारी में थे, लेकिन भाजपा ने उनको रुको रुको कर दिया। लेकिन उनके समर्थक आज बड़ी संख्या में चलो चलो कर गए कांग्रेस को, तो निश्चित तौर पर हर कोई वहाँ भारतीय जनता पार्टी से आकर्षित हो रहा है, भाजपा से जुड़ना चाहता है। कांग्रेस में एक पलायन का दौर है। कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं। सत्ताधारी पार्टी के खेमे से निकलकर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो बीजेपी के दमदार चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से लोकसभा के रण में उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने पर छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए उनका स्वागत किया। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। मैं समझता हूँ जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, माननीय कमलनाथ जी इतने मजबूत हैं, वहाँ एक गढ़ है एक तरह से। वहाँ शिवराज जी आ जाएं या उनसे बड़े नेता चाहे अमित शाह जी या मोदी जी आ जाएं, मैं समझता हूँ छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के मॉडल को बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने शिल्पी की तरह काम किया माननीय कमलनाथ जी ने, कमलनाथ जी के नाम पर वहाँ वोट गिरता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी रहेंगे 100% छिंदवाड़ा से विजयी होंगे। मध्य प्रदेश में 29 का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी चुनावी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश के उन क्षेत्रों पर खास जोर दे रही है जहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए आम चुनाव में चुनौती बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच सियासी तापमान भी बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ जीत की रणनीति बनाएंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का मैदान सज चुका है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में मैदान मारने का मंत्र देंगे। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम और चुनावी जीत की रणनीति बनाएंगे। बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के जांजगीर में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे और उसके बाद जांजगीर आकर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से फिर बिलासपुर में सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल सभागृह हाईकोर्ट के सामने प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। माननीय अमित शाह जी के प्रवास को लेकर आम जनता कार्यकर्ता में काफी उत्साह का वातावरण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मैदान मार चुकी बीजेपी को यह भरोसा है कि लोकसभा की सभी 11 सीटें उसी के खाते में जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। वही 25 फरवरी को अमित शाह का एमपी दौरा है। खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल आएंगे गृह मंत्री, बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह।
उत्तर प्रदेश में एनडी गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौते के साथ ही गठबंधन की घोषणा हो गई। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया गया है। समझौते के मुताबिक समाजवादी पार्टी 62 और कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कभी हां कभी ना के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश में ईडी गठबंधन की तस्वीर तय हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। जब दोनों पार्टियां साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और चंद्रशेखर के बीच हुए समझौते के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रदेश की 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वही चंद्रशेखर आजाद को एक सीट दी गई है। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए, आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, सीट को, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इस तरह से लंबे उधेड़ बुन के बाद उत्तर प्रदेश में ईडी गठबंधन ने आकार ले लिया है। राहुल गांधी इस वक्त प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हो रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक सीटों पर बात नहीं बन जाती, वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव के बयान के 48 घंटे के भीतर ईडी गठबंधन ने आकार ले लिया कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के। यूपी की सत्ता से बेदखल हुई समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। दूसरी तरफ एक दशक से केंद्र की सत्ता से बाहर रही कांग्रेस एक एक कर कई प्रदेशों में करारी हार झेल चुकी है। ऐसे में दोनों पार्टियों को एक दूसरे के सहारे की सख्त जरूरत है। अब देखना है कि यूपी के ये दोनों लाल मिलकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए शुरू हुई रेस में कहां तक दौड़ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8। तो गठबंधन के तहत सीटों को समझौता तो हो गया है। ग्राफिक्स जरिए हम आपको बताते हैं, दरअसल यहां पर सिचुएशन अब बनकर निकलकर क्या सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुश्किल से सीट मिली है। कांग्रेस को एसपी ने दी है 17 सीटें। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसमें 17 सीटें दी गई हैं और 7 सीटों पर, इन 17 में से 7 सीटों पर एसपी हमेशा से ही हारी है। सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी ने इन 7 सीटों में जीत हासिल की है। 3 सीटों पर 2 या 3 बार जीती है समाजवादी पार्टी। जो ये 17 सीटों का समीकरण है, मैथ से वो हम आपको बता रहे हैं। जो बनारस की सीट है, वाराणसी की सीट है, उसे कांग्रेस पार्टी को दिया है समाजवादी पार्टी ने। जाहिर तौर पर मोदी के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। और 2019 में क्या नंबर था इन 17 सीटों में से, 14 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और ये 17 सीटें अब कांग्रेस के लिए चुनौती के तौर पर उसके सामने की गई है इस गठबंधन के समझौते के तहत। तो अब बढ़ते हैं आगे। एक तरफ मैदानी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी की तपिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी कहीं खुशनुमा माहौल बना रही है, तो कहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रही है। पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है। वादियों में सफेद चादर बिछी हुई है। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी जहां किसानों के लिए राहत लाई है, वहीं कुछ मुश्किलें भी दिख रही हैं। भारी बर्फबारी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग समेत दर्जनों सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है। कुपवाड़ा में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। पिछले 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
प्रशासन ने इलाकों में बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात कर दी हैं। वहीं भूस्खलन के आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिजली और पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। पर्यटक स्थल गुलमर्ग में करीब 3 फीट बर्फ जमा हो गई है। नाराबुल गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन की वजह से यात्रा करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच गुलमर्ग में विंटर गेम्स शुरू हो गए हैं। बर्फबारी के कठिन हालातों के बीच खिलाड़ियों का जोश हाई है। अनंतनाग में बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के पहिए भी जाम हो गए। सेना के जवानों ने लोगों का हौसला बढ़ाया और फंसी गाड़ियों को निकालने में मदद की। भद्रवाह में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुछ यात्री बर्फबारी में फंसे थे लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेह में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। कारगिल और द्रास में लगातार बर्फबारी जारी है। बीआरओ की टीम लगातार सड़कें खोलने का काम कर रही है। कई रास्तों का संपर्क आपस में टूट गया है। घुटनों के ऊपर तक बर्फ जमी हुई है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। बर्फबारी का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। जो यहाँ पे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन वो दुआ कर रहे थे कि बर्फबारी हो जाए, क्योंकि अगर इस बर्फबारी से एक तो यहाँ पे काम बढ़ेगा और दूसरा जिस तरह से बताया जा रहा था कि लंबा ड्राइव स्पेल चला था, उसके बाद लोग काफ़ी परेशान और मायूस थे, लेकिन अब जब ये बर्फबारी हुई है तो यकीनन सब के चेहरे जो है वो खिल गए हैं। लद्दाख की पेंगोंग लेक सैलानियों से गुलजार हो गई है। सैलानी काफी खुश हैं, तो पहाड़ों में इस तरह कहीं राहत है तो कहीं आफत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। प्लेन हवा में डगमगाया जिससे यात्रियों की जान अटक गई। प्लेन को जब सुरक्षित लैंड कराया गया तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। हवा में डगमगाया प्लेन, आसमान में अटकी यात्रियों की जान, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। आसमान में एक प्लेन उड़ान भरने के बाद हिलोरे खाने लगा। यात्रियों की मानो तो सांसें थम गई। सोमवार की शाम करीब 5:25 पर दिल्ली से इंडिगो का प्लेन उड़ान भरता है, लेकिन उसकी राह में बाधा अटका देता है खराब मौसम। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के बीच विमान को 2 तगड़े झटके लगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक हो रहा होगा। प्लेन में कुछ यात्रियों को जिंदगी की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगी थी। सभी बुरी तरह से सहम गए थे। हवा में जिंदगी झूला झूल रही थी। यात्रियों के बस में कुछ नहीं था, अब सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ तो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन पर कंट्रोल किया और सुरक्षित तरीके से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कराया। जब तक प्लेन हवा में थी यात्री पूरी तरह से डरे सहमे हुए थे, लेकिन जब हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग हुई तो सभी यात्रियों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए राहत की सांस ली। 19 फरवरी को इंडिगो फ्लाइट 6E612598 ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम विलेन बन गया। फ्लाइट के अंदर मौजूद एक यात्री ने वीडियो बनाया और बाद में शेयर किया। जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में इस वक्त मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं कई जगहों पर बारिश भी पड़ रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में खराब मौसम में यात्रा से बचने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।